क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो 40,000 की संख्या में हम विकलांग बंधु हैं, फिर भी हमको नहीं देखा जाता है। अगर हमारी मांगों को नहीं मांगा जाएगा तो हम मतदान का आविष्कार करेंगे। है कि आपने अभी तक शादी नहीं की, क्या कारण है? जी इस बात सच है। नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूं राजा भैया पाल, और आज मैं भिंड में ऐसी शख्सियत के साथ हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समूचे देश भर में जिस तरीके से विकलांग युवाओं की आवाज़ उठाते आ रहे हैं, विकलांग बल के राज्य सचिव सौरभ सिंह बघेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि आज समूचे मध्य प्रदेश के विकलांगों की आवाज़ बने हुए हैं और उनकी हक की लड़ाई हमेशा लड़ते आए हैं। आपकी जनता दल आपका बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मेरा कहना है कि न कोई सरकार मेरी है, न कोई बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो इस बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ, हिंदुस्तान मेरा है। सर्वप्रथम भारत माताओं के चरणों में मेरा नमन, और मैं राजा भैया पाल जी को भी धन्यवाद अदा करूँगा कि आप जो भी दीन असहाय व्यक्ति हैं उनकी आवाज़ आप समाज तक ले जाते हैं। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इनके चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सौरभ बघेल जी, देखा जाए तो मध्य प्रदेश में विकलांगों की संख्या कितनी है और उनके हक और अधिकार किस तरीके से मांगे हैं सरकार से, आपकी क्या चल रहा है इसमें? जी 2011 की जनगणना के अनुसार 16,00,000 जो जनसंख्या हमारे विकलांग बंधुओं की थी, किंतु अभी वो जनसंख्या करीब 35,00,000 पे पहुंच गई है, और प्रत्येक जिले में करीब 35,000 से 40,000 के दिव्यांग विकलांग बंधु निवास करते हैं। और देखने को मिलता है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में हमारे जो भी शासन प्रशासन है वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किंतु हमारे जो दिव्यांग बंधु हैं, विकलांग बंधु हैं, उनकी पीड़ा कहीं ना कहीं उनके जहन में नहीं होती है। जब चुनाव आता है तो उनके लिए एक ट्राई साइकिल लेके घर तक उनकी सुविधा की जाती है, उसके बाद उनको कहीं ना कहीं ऐसा गुमराह कर दिया जाता है कि उनकी संख्या 0 के बराबर उनके खाते में रहती है। जैसे कि देखने को मिलता है कि हमारे पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, वहाँ पर 2,000 के समथिंग पेंशन मिल रही है, और हमारा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे भी पेंशन हमारे प्रदेश से अधिक मिल रही है। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे कम पेंशन नाम मात्र की 600 रुपये पेंशन मिलती है, जो कि आप अगर हिसाब लगा के देखें डेली का 20 रुपये होता है। आप अगर कहीं देखें कि 10 रुपये के हिसाब से किसी को पानी भी नहीं मिलता है। तो मुझे बड़ी एक पीड़ा है, बड़ा कष्ट है कि हमारे जो भी विकलांग बंधु हैं उनके लिए शासन की तरफ से इतना तो दिया जाए कि वो भरपेट अपना भोजन कर सकें। बिल्कुल। तो 600 रुपये जो विकलांग बल की जो इस समय उनको महीने का वेतन मिल रहा है, 20 रुपये प्रतिदिन का जाता है, जो कि आज 10 रुपये का पानी भी ठीक से नहीं मिल पाता है। सौरभ सिंह बघेल जी, क्या विटंबना है जिस तरीके से आपने तमाम जो इस समय आंदोलन भी हमने देखे हैं आपने किए हैं, मंत्रियों से आपकी लगातार आपकी मीटिंग जारी रहती है, आपने तमाम लोगों को ट्राई साइकिल भी दिलवाई, आपने किराया भी माफ़ करवाया लोगों का हाफ। जी सर, प्रथम तो हमारे जो RTO साहब हैं उनका मैं धन्यवाद अदा करूंगा, क्योंकि उन्होंने 50% की जो मुहिम थी उसको चलाया और कुछ पास भी जारी करके दिए हैं। और मैं सर्वप्रथम हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने एक दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन करा दिया है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे जो दिव्यांग बंधु की जो एक आवाज़ है वो शासन तक नहीं पहुँच पाती थी, वो आवाज़ भी अब पहुँचने लगेगी। इसी प्रकार मैं भाजपा के जो हमारे मामा जी मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भी एक भाजपा में दिव्यांग प्रकोष्ठ बनाएं, जिससे हमारे विकलांग बंधुओं की जो हक की आवाज़ है वो आप तक पहुँचे। हमारे माननीय परम आदरणीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे एक सम्मान का नाम दिया है दिव्यांग, किंतु उनने जो नाम दिया है नाम के अनुरूप हम लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। दिव्यांग नाम से हमारे जो विकलांग बंधुओं की पीड़ा है वो वहीं की वहीं है। अगर हम किसी व्यक्ति को अमीर चंद उनका नाम रख दें और उसके बाद अगर उनसे कहें कि उनकी सुविधाएं पूरी हो जाएं तो नहीं होंगी। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि भारतवर्ष के हमारे जो भी दिव्यांग बंधु हैं आपने जो नाम दिया है उसी के अनुरूप उनको सुविधाएँ भी दी जाएँ, उनके जो उनकी जो हक है उनको दिलाया जाए, तो बड़ा उनका मेरे प्रति आभार रहेगा। मैं इनको धन्यवाद भी दूंगा और मैं पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों से आभार व्यक्त करूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे विकलांग बंधुओं की आवाज़ को सुना और उनकी पीड़ा को जाना। आपने इलेक्शन में भी आपने कोटा मांगा था शिवराज सिंह जी से, क्या क्या? जी
अभी हमारे राजस्थान में 5% कोटा मिल चुका है विकलांग बंधुओं को, अभी हमारे मध्य प्रदेश में कोई भी कोटा नहीं है। हम लोगों की भी इच्छा होती है कि हम भी कोई चुनाव में जाएं, निकाय चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, तो हमें भी 5% का आरक्षण दिया जाए, क्योंकि हम लोग भी PhD और भी MEd, BSc, डबल MA करे हुए हैं, तो हम भी, मेरी भी आशा होती है कि मैं भी एक भारत का निवासी हूँ, मैं भी कुछ ऐसा करूँ कि जिससे हमारा देश और भी प्रगति करे। बिल्कुल, तो 5% कोटा राजस्थान में हो चुका है, और जहां तक शिवराज सिंह जी से, मुख्यमंत्री जी से मांग है हमारे राज्य सचिव सौरभ सिंह बघेल की, कि यहां भी मध्य प्रदेश में भी कोटा फिक्स किया जाए, ताकि पढ़े लिखे विकलांग बंधुओं को राजनीति में, इलेक्शन में भागीदारी मिल सके। सौरभ सिंह बघेल जी, जिस तरीके से आप संघर्ष कर रहे हैं, आप 38 वर्ष के हो चुके हैं, लगातार 10 सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये भाजपा सरकार में आपका जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है, वो पूरा हो पाएगा? जी, सर्वप्रथम तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी जो भी राष्ट्रीय हमारी पार्टियां हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अब हम विकलांग बंधु पूरी तरह से जाग चुके हैं। हमारा जो भी प्रकोष्ठ बनाएगा, हमारी जो मदद करेगा, उसको ही वोट मिलेगा, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो 40,000 की संख्या में हम विकलांग बंधु हैं, फिर भी हमको नहीं देखा जाता है। अगर हमारी मांगों को नहीं मांगा जाएगा तो हम मतदान का आविष्कार करेंगे, हम किसी भी पार्टी को मत प्रदान नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर बहिष्कार करेंगे, बड़ा ऐलान आपकी जन अदालत के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ विकलांग बल के राज्य सचिव सौरभ सिंह बघेल का आ चुका है। ये भिंड की आवाज़ है, चंबल की आवाज़ है, जो कि समूचे मध्य प्रदेश में गूंज रही है, समूचे मध्य प्रदेश की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरीके से एक सवाल करना चाहेंगे, जो भी आपके विकलांग बल में जो भी आते हैं, सरकार उनके लिए कुछ ऐसा रोजगार के रूप में देख रही है जिससे उनको कुछ रोजगार मिल सके? अभी कोई रोजगार की सुविधा नहीं है। अभी हमारे कुछ ऐसे मध्य प्रदेश के विकलांग बंधु हैं, उनकी मांग आती है कि सर हमें 20,000 रुपए, 50,000 रुपए दिए जाएं, तो शासन की तरफ से कोई लोन की भी सुविधा नहीं है। तो मेरा अनुरोध है कि उनको कम से कम एक रोजगार के लिए कम से कम उनका एक ऐसा लोन उनको दिया जाए जिससे उनका जीवन यापन अच्छी तरह से हो सके। जी बिल्कुल, तो आपने कमला जी से मुलाकात की है, कांग्रेस क्या कह रही है आपके लोगों के हित के लिए? मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने हमारी एक ही ज्ञापन के माध्यम से हमारी जो मांग थी दिव्यांग प्रकोष्ठ, उसका गठन कर दिया है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं, और उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आपकी हम पेंशन भी बढ़ाएंगे और आपकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको भी हम आपके दिलवाएंगे। बिल्कुल, तो पेंशन भी बढ़ाएंगे, और कमलनाथ जी ने वादा कर दिया है। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जुड़ चुके हैं, इन्होंने अपने जीवन के जो है जो 10 साल 15 साल दिए हैं तमाम लोगों की सेवा करने के लिए, आपने अपने लिए, हमने ऐसा सुना है कि आपने अभी तक शादी नहीं की, क्या कारण रहा? जी, इस बात सच है, क्योंकि मेरे अंदर बड़ी पीड़ा है। हमारे जो दिव्यांग बंधु हैं उनकी जो हक की लड़ाई है, उस लड़ाई तक अगर हम पूरी तरह से सफलता प्राप्त कर लेंगे तो जिस शादी की बात है, तो उसको भी कहीं ना कहीं आप सबके स्नेह से इसको भी पूरा करेंगे। कहीं ना कहीं मैंने अपना जो जीवन का एक लक्ष्य बनाया था कि हमारे जो दिव्यांग बंधु हैं उनको अगर हक की लड़ाई उनकी लड़े, और उनका कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा भी उनकी अगर मदद कर सकें, तो अपने आप को हम सौभाग्यशाली मानेंगे। तो क्या आप विवाह स्वीकार करेंगे? जी, अब कहीं ना कहीं हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं और कामयाब भी हो चुके हैं। मैं कहीं ना कहीं अगर ऐसा कोई हमारा जीवन साथी अगर हमें मिलेगा तो कहीं ना कहीं मैं मन बनाऊंगा। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन अगर पूछा जाए तो मैं 4 विषय में MA किए हूँ, MEd, MSc कंप्यूटर साइंस से है, MSW है, और BLib किए हुए हैं, और अभी मैं वर्तमान में गेस्ट टीचर हूँ। कितना कमा लेते होंगे? जी, मेहनत से करीब 35-40 हज़ार रुपए कर लेते हैं, कुछ ट्यूशन और कुछ जॉब से। क्या डिमांड है आपकी क्वालिफिकेशन के रूप में, कैसी जीवन साथी का चुनाव करना चाहते हैं? जीवन साथी ऐसा हो जो हमारी भावना समझे और हमें समझे, क्योंकि आज के ज़माने में, क्योंकि एक विकलांग व्यक्ति को हर कोई अपना जीवन साथी स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति हो जो पूरे मन से हमें स्वीकार करे, उसको ऐसा ना लगे कि हमारे पिता ने एक ऐसे व्यक्ति के साथ में हमारी शादी कर दी है जिससे उसको अपने सहेली और अपने मित्रों के साथ में उसको हंसी का पात्र ना बनना पड़े।
नहीं तो आप इतना विकलांग तो आप नहीं है जितना हंसी के पात्र माने चाहे, तमाम हमारी बच्चियां भी विकलांग इस समय देख रही होंगी इस इंटरव्यू को, तो उनके सपने कैसे साकार होंगे? राजा भैया पाल जी, हमारा समाज बड़ा पिछड़ा हुआ है क्योंकि हम चमड़ी को देखते हैं, हम अंदर की जो भावना है उसको नहीं देखते हैं। हम अपनी बेटी को एक ऐसे व्यक्ति को ब्याह देते हैं जो कहीं ना कहीं दिन रात दारू पीता है, उसकी पिटाई करता है, वहाँ हम कर देते हैं, कहीं ना कहीं किसी की भावना प्रेम को नहीं देखते हैं। बिल्कुल, तो आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सौरभ सिंह बघेल हमारे साथ जुड़े हुए थे। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, अपने अपनी तरफ से क्या आप दर्शकों को बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने जीवन में जो संघर्ष किया है उससे प्रेरित होकर के, अपने एजुकेशन को लेकर के दो लाइन में क्या जी? मैं संपूर्ण संसार के जो हमारे बंधु इस वीडियो को सुन रहे हैं उनसे हाथ जोड़ से निवेदन है कि जो मानव सेवा है उससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। हमें अगर कोई ऐसा मौका मिले मानव सेवा का, उसको हमें नहीं चूकना चाहिए, उसको हमें पूरी तरह से बड़े मन के भावना से, समर्पण की भावना से करना चाहिए।